वेलकम बैक गाइस, अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आधार कार्ड के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए देते हैं तो उसमें हमको टू टाइप्स का डाटा देना पड़ता है। नंबर एक पर आता है हमारा बायोमेट्रिक डाटा और नंबर दो पर होता है हमारा डेमोग्राफिक डाटा। इसकी डिटेल आपको मैं पूरी आज देने वाला हूँ कि बायोमेट्रिक डाटा क्या होता है और डेमोग्राफिक डाटा क्या होता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा लिया है तो आपको कितना टाइम के बाद उसको फिर से अपडेट कराना पड़ेगा। दोस्तों ये बच्चों को जब आधार कार्ड बनाते हैं तो इसको 2 टाइम लाइफ में अपडेट कराना पड़ता है उनको परमानेंट आधार कार्ड रखने के लिए। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाला होता है। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कॉन्टेंट हमेशा बनाते रहता हूँ जो आपको हेल्प करें। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो वैसे हम लोग बात करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के बारे में कि हमारा बायोमेट्रिक डाटा क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बायोमेट्रिक डाटा जो होता है इसमें हमारे आते हैं फिंगरप्रिंट और हमारे आईज का रेटिना प्रिंट। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे 5 साल का जो कोई भी बच्चा होता है उससे नीचे का जब हम लोग आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसका फिंगरप्रिंट या फिर उसका रेटिना का प्रिंट नहीं लिया जाता है बायोमेट्रिक अपडेट में, क्योंकि उसका जो फिंगरप्रिंट है और जो रेटिना है वो डेवलप नहीं होते हैं अंडर 5 ईयर्स का जो भी बच्चा होता है। इसलिए नंबर दो पर आता है दोस्तों हमारा डेमोग्राफिक डाटा क्या होता है। डेमोग्राफिक डाटा दोस्तों वो होता है जिसके बेस पे डायरेक्ट आधार कार्ड को बनाया जाता है बच्चे का। किसी भी बच्चे का आधार कार्ड जब हम बनाते हैं तो अगर वो डेमोग्राफिक डाटा के थ्रू ही बनता है, जैसे मान लीजिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट हम उसको देते हैं या फिर हमारे अपना आईडी प्रूफ देते हैं तो बच्चे का आधार कार्ड बना दिया जाता है डेमोग्राफिक डाटा पुट करने के बाद। वो होता है डेमोग्राफिक डाटा। जैसे कि मान लीजिए आप सीएससी सेंटर में किसी में भी जाएंगे तो वो आपकी बहुत सी चीजें अपडेट कर सकता है। सीएससी सेंटर क्या होता है दोस्तों, जो आपके मोहल्ले में गली में बहुत जगह पर होते हैं वो होते हैं सीएससी सेंटर। बट उसमें क्या है कि आपका बायोमेट्रिक अपडेट लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसमें कुछ चीजें मोबाइल नंबर है वो लोग अपडेट नहीं कर सकते। आपका मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको जो ऑथराइज सर्विस सेंटर होता है उस पर ही जाना पड़ता है। अगर सीएससी सेंटर वालों के पास भी वो पावर नहीं है कि वो आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर सकें। जैसे आपने देखा होगा कि आपके सिटी में भी आपके मोहल्ले में कई जगह पर सीएससी सेंटर आधार कार्ड लिखा हुआ होगा, बट अगर आप उनसे जाकर बोलेंगे कि आपका मोबाइल नंबर चेंज कराना है आधार कार्ड में तो वो सीधा बोलेंगे कि ये हम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या है कि आपका जो फिंगरप्रिंट है, जो आपका बायोमेट्रिक डाटा है, जब आप उसमें कलेक्ट करेंगे तभी आपका जो ओरिजिनल डाटा है वो ओपन होगा। उसके बाद ही आपका मान लीजिए मोबाइल नंबर है या कोई भी ऐसा अपडेट है जो बायोमेट्रिक के थ्रू होता है तभी वो कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीएससी सेंटर में कभी भी जाकर आप उनको बार बार ये चीज ना बोलें, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा ठगी हो रही है कि वो क्या करते हैं भाई इतना पैसा लगेगा ये होगा, तो ऐसा आप चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। तो भाई अभी हम लोग चलते हैं हमारे 3 नंबर पॉइंट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा दिया है तो आपको कितनी बार उसको अपडेट कराना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपने जो अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाया है वो डेमोग्राफिक डाटा के हिसाब से बनवाया जिसकी एज 5 साल से नीचे। अगर आपने 5 साल से ऊपर के बच्चे का आधार कार्ड बनवा दिया है तब भी आपको उसको एक बार और अपडेट कराना पड़ेगा। कितने टाइम बाद कराना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आपने अपने बच्चे का आधार कार्ड 5 साल से नीचे की एज में बनवाया है तो आपको जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो आपको एक बार फिर से उसको अपडेट कराना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के बाद आपके बच्चे के फिंगरप्रिंट थोड़े डेवलप हो जाते हैं और वो क्या है बायोमेट्रिक अपडेट में आ जाते हैं, मशीन उसको कैप्चर कर लेती है। तो आपको क्या फर्स्ट नंबर पर 5 साल के बाद आपको कराना पड़ेगा 5 से 6 साल के बीच में। उसके बाद आपको सेकेंड टाइम फिर से उसको अपडेट कराना पड़ेगा, वो होगा 15 ईयर्स के बाद। 15 साल का जब आपका बच्चा हो जाएगा तो 15 साल के बाद उसके जो फिंगरप्रिंट है उसका जो रेटिना है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद उसको आपको फिर से एक बार 15 ईयर्स के बाद अपडेट कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोबारा से उसको अपडेट कराने की जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट हमेशा बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।